So today we are going to read the second part of this lesson, the portrait of a lady. So पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे दादी दिखने में कैसी लगती थी, ग्रैंडमदर की अपेयरेंस कैसी थी, और ग्रैंडमदर और राइटर के बीच में कैसा रिलेशन था, सो कैसा उनका रूटीन था. सो दैट्स व्हाट वी रेड इन द फर्स्ट पार्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड पार्ट. वेन माई पेरेंट्स वर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, और जब मेरे पेरेंट्स कम्फर्टेबली सेटल्ड हो गए, ठीक तरह से सिटी में उनकी एडजस्टमेंट हो गई, शहर में जाके बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया. सो पहले राइटर के पेरेंट्स जो थे वो सिटी में रहते थे, और राइटर अपनी ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते थे, और बाद में उन दोनों को भी उन्होंने शहर में बुला लिया, सिटी में बुला लिया. दैट वॉज़ ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप में, एक मोड़ आ गया हमारी दोस्ती में. सो राइटर की और ग्रैंड मदर की दोस्ती में शहर जाने पे एक फ़र्क पड़ गया कुछ. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम शेयर करते थे, मतलब एक ही कमरे में वहाँ पे भी रहते थे दादी और राइटर, पर ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. लेकिन अब जो दादी माँ थी, अब स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी. तो जैसे कि गांव में स्कूल साथ में जाती थी, तो शहर में ऐसा नहीं था. आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और अब मैं इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, और मोटर बस में, स्कूल बस में जाता था वहाँ पे. देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और रस्ते में, गलियों पे, सड़कों पे कोई डॉग्स नहीं होते थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो उन्होंने स्पैरोज को दाना डालना शुरू कर दिया, स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दिया अपने सिटी हाउस के, शहर के घर के कोर्टयार्ड में, आंगन में, बरामदे में स्पैरोज़ को वो खिलाने लगी. सो पहले तो रूटीन यही था कि वो स्कूल जब लेके जाती थी राइटर को, तो रास्ते में डॉग्स को खिलाती थी. तो अब डॉग्स वाले वहाँ पे होते थे नहीं थे, क्योंकि वो स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी, तो घर पे होती थी. तो अब स्पैरोज़ को खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने. एज ईयर्स रोल्ड बाय, और जैसे जैसे साल गुजरते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को और कम मिलते थे, कम मिलते थे. फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप, और कुछ देर के लिए तो वो मुझे उठाती रही. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही. व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क, वो पूछती थी, आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया है स्कूल में. आई वुड टेल इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताता था, एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और जो पश्चिमी साइंस है, विज्ञान है, उसके बारे में छोटी छोटी बातें बताता था. एंड लर्निंग, और जो भी वहाँ पे लर्निंग थी साइंस रिलेटेड, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, एट्सेट्रा. सो इस तरह की बातें, ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, साइंस से रिलेटेड बातें, कि वर्ल्ड बीइंग राउंड, की दुनिया गोल है. सो जो भी पढ़ाया जाता था, सो इस तरह की चीज़ें वो बताता था राइटर आके अपनी दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को. दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो अनहैप्पी होती थी, वो नाखुश होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स में मेरा साथ नहीं दे सकती थी. सो इसलिए ना खुश होती थी, क्योंकि ये चीज़ें दादी को भी नहीं पता था, दादी के लिए नहीं थी. सो पहले तो जो पढ़ाई होती थी वो दादी उसमें हेल्प कर पाती थी, लेकिन अब इसमें हेल्प नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और वो डिस्ट्रेस्ड थी, बड़ी परेशान थी इस बात पर, दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि परमात्मा के बारे में कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती. एंड द स्क्रिप्चर्स, और जो स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी पढ़ाई स्कूल में नहीं कराई जाती. वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया, आगे बताया, दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, म्यूजिक की क्लासेज हमारी लग रही हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बड़ी डिस्टर्ब होगी, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, तो उनके लिए म्यूज़िक की ल्यूड एसोसिएशंस हैं. सो ल्यूड मीन्स वल्गर, गंदी, भद्दी एसोसिएशन है, कि ये अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये वो सोचती थी. वो थोड़े पुराने विचारों की थी दादी. इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैलर्ट्स एंड बैगर्स, और वो मानती थी कि ये जो मोनोपोली है हैलर्ट्स एंड बैगर्स की, मोनोपोली मतलब सिर्फ इनका ही काम है. किनका काम है? हैलर्ट्स, जो बाजारू किस्म के लोग, जो, और बैगर्स, जो भिखारी हैं, तो उन लोगों का काम है म्यूज़िक, वो ये मानती थी. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और जो जेंटल फोक हैं, जो
जेंटलमैन है, सभ्य व्यक्ति हैं, अच्छी घरों से जो बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए म्यूज़िक नहीं है, ऐसा सोचना था दादी का, जो पुराने विचार थे उस तरह के। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। लेकिन उनकी साइलेंस का मतलब यही था कि डिसअप्रूवल है, कि वो सहमत नहीं है इस पढ़ाई से, कि म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है, इस तरह की इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही है, इससे वो खुश नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद उन्होंने बहुत कम ही मेरे साथ बात की। तो नेक्स्ट पार्ट में राइटर ने बताया है कि कैसे सिटी के आने के बाद उनका जो रिलेशनशिप था उसमें कैसे बदलाव आए। सो विलेज में तो बहुत क्लोज थे, सिटी में आके हालांकि रूम शेयर करते थे, लेकिन फिर भी जो पढ़ाई थी वहाँ की, सो वो दादी के हिसाब से, ग्रैंड मदर के हिसाब से नहीं थी, और थोड़ा थोड़ा उनमें जो है वो डिस्टेंस जो है हल्का सा बढ़ना शुरू हो गया सिटी में आके। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, वहाँ पे मुझे अपना कमरा मिल गया, मतलब हॉस्टल में रहने लगे वो जाके वहाँ पे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और ये जो कॉमन लिंक था, बंधन था, जो रिश्ता था फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, वो स्नैप्ड हो गया, टूट गया, कट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन, और मेरी दादी ने उसको, अपनी सिक्लूजन को, अपने एकांतपन को, अपने अकेलेपन को स्वीकार किया विद रेजिग्नेशन। सो रेजिग्नेशन के साथ, परित्याग के साथ, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो रेयरली, बहुत कम, अपना स्पिनिंग व्हील, अपना चरखा छोड़ती थी किसी के साथ बात करने के लिए। सारा दिन स्पिनिंग व्हील पे ही, चरखे पे बिताती थी। फ्रॉम सनसेट शी सैट बाय हर व्हील, और सूरज ढलने के साथ ही वो बैठ जाती थी अपने चरखे के पास, स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो उसको चरखा गाती थी और अपने प्रेयर्स रिसाइट करती थी, अपनी प्रार्थना गाती थी मन में। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल, सिर्फ दोपहर को थोड़ा वो रिलैक्स करती थी, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरोज को फीड करने के लिए, उनको खिलाने के लिए। वाइल शी सैट इन द वरांडा, और जब वो वरांडा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, ब्रेड के, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, और सैकड़ों जो छोटी छोटी पक्षी थे, चिड़िया थी, वो उनके आसपास आके इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग। और वेरिटेबल, वेरी रियल बेडलैम इज शोर शराबा ऑफ चिरपिंग, मतलब चहकना। सो बहुत ज़्यादा चहकने का शोर शराबा होता था, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से वो, इतने पक्षी इकट्ठे हो जाते थे, चिड़ियाँ इकट्ठी होके चहकने लग जाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आती थी और आके पर्च्ड सैट ऑन हर लेग्स, उनकी टांगों पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, बाकी उनकी कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उनको शू नहीं करती थी, उनको भगाती नहीं थी, उड़ाती नहीं थी चिड़ियों को। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था, पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुशी वाला समय होता था उनके लिए। सो सबसे ज़्यादा इसी काम में उनका मन लगता था, चिड़ियों को दाना खिला के। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, और जब मैंने अब्रॉड जाने का फैसला किया फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर, मुझे पक्का यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी अपसेट होंगी, वो परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, और 5 सालों के लिए मैंने चले जाना था। एंड एट हर एज, और जो उनकी उम्र थी उस समय, वन कुड नेवर टेल, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। सो मतलब वो कह रहे थे काफ़ी बूढ़ी थी, और मे बी 5 ईयर्स तक वो रह पाएंगी या नहीं, इसमें भी शक था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी, ग्रैंड मदर को पता था कि वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। ही वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो यहाँ तक कि सेंटिमेंटल भी नहीं थी, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं थी, वो भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी, वो आई मुझे छोड़ने के लिए एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो वो बोली कुछ, ना उन्होंने कोई इमोशंस दिखाए, कोई भाव दिखाए, कोई रोई नहीं, कोई इस तरह का कोई इमोशन उन्होंने शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके जो होंठ थे वो प्रेयर्स में हिल रहे थे, वो अपने मन ही मन प्रार्थना, अपना पाठ कर रही थी, मन ही मन प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था वो प्रेयर में ही डूबा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो उंगलियां थी वो
माला के मन के गिनने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप उन्होंने मेरे फोरहेड को, मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से गया, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और मैंने उसको बड़ा चेरिश किया। मुझे बड़ा वो अच्छा लगा जो मॉइस्ट गीला निशान था चूमने का, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और ये उसने सोचा राइटर ने कि शायद ये आखिरी साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट का, कि फिजिकली शारीरिक रूप से आखिरी बार ही हम मिले हैं आपस में। तो उसे यही लग रहा था राइटर को कि जब मैं वापस आऊँगा आफ्टर 5 ईयर्स तो शायद दादी तब नहीं होगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद आई केम बैक होम, मैं वापस आया घर, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और स्टेशन पे वो मिले, दादी मिली, ग्रैंड मदर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, बोलने के लिए समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैस्प मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने उसको क्लैस्प किया, जकड़ लिया, अपनी बाहों में गले लगाया, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। तो तब भी राइटर को सुनाई दे रहा था कि वो अपनी प्रेयर रिसाइट कर रही हैं, अपनी प्रार्थना कर रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और यहाँ तक कि जो मेरा पहला दिन था मेरे आने पे, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज, तब भी सबसे जो खुशी वाला उनका पल था वो स्पैरोज के साथ ही था, होम शी पेट लॉन्गर, जिनको कि उस दिन उन्होंने और ज़्यादा देर तक खिलाया। एंड विद फ्रिवलस रिव्यूक्स, और फ्रिवलस मीन्स झूठे मूठे रिव्यूक्स, मतलब झिड़कना, सो बनावटी तरीके से उनको झिड़क रही थी उनको, हालांकि मतलब प्यार वाले तरीके से उनसे कर रही थी, हालांकि झिड़कन में रिव्यूक में भी प्यार था। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम को एक बदलाव आ गया उनमें। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया उस दिन, प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वेमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम, एक ढोल उन्होंने जो था वो ले लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, उसको लेके गाना शुरू कर दिए। फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटे तक, शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम, बड़ी देर तक वो जो सैगिंग स्किन थी, डायलेपिडेटेड मीन्स इन बैड कंडीशन, बुरी हालत में, मतलब पुराना सा ड्रम था, पुराना सा ढोल था, और उसकी सैगिंग स्किन थी जो जहाँ पे उसको थपथपाते हैं वो भी काफ़ी घिसी हुई थी। सो काफ़ी कई घंटे तक वो पुराने ड्रम को, पुराने ढोल को बजाने के बाद उन्होंने बजाया ढोल। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, और जो होम कमिंग ऑफ वैरियर्स की, कैसे जो योद्धा हैं वो जब लड़ाई करके तो वापस आते हैं जीत के, तो तब जो वीरता वाले गीत गाए जाते हैं, तो वो गीत उन्होंने गाए। वी हैड टू परसुएड हर, हमें उनको मनाना पड़ा टू स्टॉप, कि वो रुक जाएं, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए, तो ज़्यादा थकावट ना कहीं हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने उनको जाना है, दैट शी डिड नॉट प्रे, जब उन्होंने प्रे नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। नहीं तो हमेशा 24 घंटे जब भी वो राइटर देखते थे, उनके होंठों पे प्रेयर ही होती थी, प्रार्थना होती थी, कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई प्रेयर वो करते रहती थी दादी, ग्रैंड मदर। सो वो कह रहे हैं कि ये पहली बार था जब उन्होंने ये गीत गाए उस दिन खुशी के, राइटर के आने के बाद, तो जब प्रेयर शायद उन्होंने नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह को, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, वो माइल्ड फीवर था, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने कहा दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा बुखार, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी अलग तरीके से सोच रही थी, उनको ऐसा नहीं लग रहा था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत जो है वो नज़दीक है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर लाइफ, कि उनका चैप्टर, जिंदगी के पहले चैप्टर के ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रे करना छोड़ा, उस टाइम प्रे नहीं किया उस समय। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, कि अब और समय नहीं अपना वेस्ट करेंगी वो टॉकिंग टू अस, हमारे साथ बात करने में और समय बर्बाद नहीं करेंगी। उन्होंने कहा पहले ही मैंने ये समय ख़राब कर लिया। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, और बड़े आराम से वो शांति से बेड पे लेटी थी, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो प्रे कर रही थी और अपने मन के माला के गिन रही थी।
इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कोई शक भी पड़ता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके जो होंठ थे वो हिलने बंद हो गए, एंड द रोजरी वेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, जो माला थी, उनकी बेजान उंगलियों से छूट के वो नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक पीसफुल बड़ा शांतिमय पैलर, येलोइश सा जैसे ब्राइटनेस उनके चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर फैल गई, एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो डेड है, उनकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया, एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि कस्टमरी है, जैसा कि रिवाज है, रीति रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे लिटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और एक लाल कफन से, लाल कपड़े से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ घंटे की मॉर्निंग विलाप के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हम उनको छोड़ के, अकेला छोड़ के चले गए, टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार के लिए अरेंजमेंट करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू अ रूम, और शाम को हम उनके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर, सो क्रूड से रफ से, स्ट्रेचर से, सो जिस पे लेके जाना था बॉडी को, सो टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनको क्रीमेट करने के लिए, उनका संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए, जब अर्थी जो थी जो लेके गए उनके पास। द सन वॉज सेटिंग, और सूरज ढल रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा, और उसने रोशन किया हुआ था उनके कमरे को और वेरांडे को विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और एक चमकदार गोल्डन लाइट जो थी वो वहाँ पे नज़र आ रही थी, तेज रोशनी शाम के सूरज के, ढलते हुए सूरज की वहाँ पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधे रास्ते में रुक गए, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में, आंगन में, ऑल ओवर द वेरांडा, पूरे वेरांडे पे, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में भी, राइट अप टू वेयर शी ले, बिल्कुल वहाँ तक जहाँ तक वो लेटी हुई थी, ले डेड, मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ शीर अकड़ा हुआ था, रैप्ड इन रेड श्राउड, लाल रंग के कपड़े से, कफन से ढका हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, सो वहाँ तक, उनकी बॉडी तक हज़ारों स्पैरोज, हज़ारों चिड़ियाँ फैली हुई थी, फ्लोर पे बैठी हुई थी। देर वॉज नो चर्पिंग, कोई चर्पिंग नहीं थी, कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बड़ा तरस आया पक्षियों पे, स्पैरोज पे, एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, मदर उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई, रोटी लेके आई पक्षियों के लिए। शी ब्रॉक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि दादी माँ करती होती थी उसी तरह, एंड थ्रू टू देम, और उन्होंने फेंक के वो जो रोटी के टुकड़े उनके लिए, उन्होंने सोचा कि दादी जैसे रोज़ रोटी खिलाती थी इसीलिए ऐसे खाने आए हैं, तो उन्होंने भी रोटी के टुकड़े डाले। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने कोई ध्यान नहीं दिया ब्रेड की ओर, रोटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, और जब हम मेरी दादी की लाश को उठा के लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ के चले गए। तो रोज़ तो बहुत शोर करती थी चिड़ियाँ, लेकिन उस दिन आके बिल्कुल हज़ारों की तादाद में थी, लेकिन बिल्कुल चुप्पी थी, शांति थी, और जब रोटी भी डाली गई तो उन्होंने रोटी भी नहीं खाई, ऐसे ही जब लेके गए बॉडी को तो वो भी चुपचाप बिना चहके उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर ने, झाड़ू लगाने वाले ने, वो जो ब्रेड क्रम्स थे, रोटी के टुकड़े थे, उनको उठा के ऐसे ही डस्टबिन में फेंक दिया, उन्होंने, चिड़ियों ने, स्पैरोज ने उसे छुआ तक नहीं। सो दैट वॉज वट द लेसन इज, सो वेरी इमोशनल अकाउंट ऑफ राइटर्स इंटरेक्शन विद हिज ग्रैंड मदर। सो दादी के साथ, उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बताया कैसे बचपन में बहुत क्लोज थे, विलेज में थे, फिर शहर में गए, धीरे धीरे दूरी बढ़ती गई, और दादी के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में बताया कि बहुत रिलीजियस, बहुत पायस, बहुत पवित्र औरत थी, और उनकी सारी दिनचर्या उन्होंने बताई, हमेशा उनके होंठों पे प्रेयर रहती थी। और साथ में लास्ट में बड़ा इमोशनल सीन वो भी हमने देखा कि कैसे जो स्पैरोज थी वो भी मौन कर रही थी, वो भी विलाप कर रही थी, वो भी शोक प्रकट कर रही थी इस अच्छी पुण्य आत्मा के दुनिया से जाने का। सो दैट इज़ अ वेरी इमोशनल, वेरी ब्यूटिफुल लेसन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, विल डू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।